नमस्कार साथियों, कोई भी हवन, भजन, पूजा पाठ, अनुष्ठान, साधना यानी कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले हमें अपने शरीर को अंदर और बाहर दोनों ओर से शुद्ध करना होता है। इसी के लिए वेद पुराणों में एक मंत्र दिया गया है जिसका वाचन आज हम करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सह भाय व्यंतर सुचि। ओम पुनात पुंडरी काक्ष पुनात पुंडरी काक्ष पुनात मम। पहली लाइन। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। एक बार और। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। सेकेंड लाइन। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह भ्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातः पुंडरीकाक्ष पुनातः पुंडरीकाक्ष पुनातः ममः। इस श्लोक का भावार्थ है कि हम यानी कोई भी मनुष्य किसी भी स्थिति में हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, स्नान किया हुआ हो या न किया हुआ हो, किसी भी स्थिति में हो, यदि वह पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह भाभ्यांतर अर्थात बाहर से और भीतर से दोनों ही ओर से वह पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभ्याभ्यंतर शुचि।